आप आइए। अब नहीं नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ अंकल। अंकल मैंने बहुत कोशिश की के बात आगे ना बढ़े अंकल, लेकिन तमकीन किसी की बात सुनने पे आमादा ही नहीं है। देखिए ना, नाराज होके आ गई है। अरे मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। क्या बातें कर रहे हैं अंकल, आप बड़े हैं हमारे, इस तरह माफ़ी मांग के शर्मिंदा ना करें मुझे। बस तमकीन को इतना कह दीजिए कि बात बात पे गुस्सा ना किया करें और कम से कम बदतमीजी ना किया करें मुझसे। अंकल मैं शौहर हूँ उसका, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब आप खुद ही सोचिए ना कि उस लाचार बेचारी बुढ़िया को मैं कहाँ उठा के फेंक कराऊँ, जिसका दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। तमकीन को खामा खास इज्जत सी हो गई। नहीं अंकल, अल्लाह ने वैसे भी दो बीवियों के दरमियान इंसाफ का कहा है और गुल तो उससे कुछ तकाजा करती भी नहीं है, मैं जानता हूँ उसको। तमकीन को खामखा उससे एक बैर हो गया है अंकल, वो जानती नहीं है कि सब कुछ मेरा सब कुछ तमकीन का है। आप फिक्र ना करें शावेद साहब, तमकीन आपके साथ जाएगी। मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, लेकिन तमकीन ने कल जो बात की है वो तो मैं अपनी ज़बान पर भी नहीं लेकर आ सकता। अरे मैं ख़ानदानी शरीफ आदमी हूँ अंकल, हम लोग रिश्तों को मरते दम तक निभाते हैं। कबा हमारे खानदान में तो तलाक का तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता। तलाक? तमकीन ने आपसे तलाक लेने को कहा? तो और क्या, तलाक मांग रही है मुझसे। आप या मैं अभी